बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? आई होप यू बी फाइन। दिस इज न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 5B और आज हम सीखने जा रहे हैं कि एक ट्रेपेजियम कैसे बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 129 पर आ जाइए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक ट्रेपेजियम के सिर्फ दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये कि उसके जो एक पैर जो होता है उसके ऑपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है, ठीक है। यानी कि कोई से भी दो ऑपोजिट लाइंस जो होंगी ऑपोजिट आपके पास वो पैरेलल होंगी। और दूसरी बात ये कि ये जो पैरेलल लाइंस होती हैं इसके अंदर जो आपके पास पेयर ऑफ एंगल्स होंगे इनके बीच में वो बराबर होंगे 180 डिग्री। इसके बाकी जो दोनों पेयर होंगे वो 180 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? दो लेंथ चाहिए हमारे पास, दो एंगल्स चाहिए और हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक रफली इन्होंने जो स्केच दिया है वो क्या है कि एक डब्ल्यू एक्स वाई जी ट्रेपेजियम है जिसमें जो पैरेलल साइड्स है ना आपके पास वो कौन सी हैं? जेड वाई पैरेलल है डब्ल्यू एक्स के, ठीक है। तो हम बेस के ऊपर अपना जेड वाई रखेंगे और उसके ऑपोजिट में डब्ल्यू एक्स रखेंगे, जिसमें से जो आपका डब्ल्यू एक्स है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी वो वाली लेंथ बड़ी है आपकी, और जो डब्ल्यू जेड है आपके पास वो 4 सेंटीमीटर है, वो आपके पास लेंथ छोटी है, और जेड वाई आपके पास 3 सेंटीमीटर का है। तीन लेंथ आपको इन्होंने बता दी है, चौथी लेंथ इन्होंने आपको नहीं बताई है। और आपको इसके अलावा इन्होंने एंगल कौन सा बताया स्टूडेंट्स कि जो डब्ल्यू आपके पास एंगल बनेगा एक्स डब्ल्यू जेड, जिसके एक साइड पर एक्स होगा दूसरी साइड पर जेड होगा, तो वो 75 डिग्रीज होगा। तो बेस पर हम ले लेते हैं अपना एक्स डब्ल्यू, ठीक है, या डब्ल्यू एक्स जिसको भी आप कह रहे हैं, और हम अपना ऊपर वाले साइड पर y और z ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम रखते हैं अपना डब्ल्यू एक्स जो कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी लेंथ होगी। उसके ऑपोजिट में हमारे पास डब्ल्यू जेड है जो 4 सेंटीमीटर का है, और जेड वाई हमारे पास बहुत ही छोटा है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर का है। तो हम इसको जरा काफी छोटा कर लेते हैं, इसके कम से कम आधा ही कर देते हैं, और ये 3 सेंटीमीटर है हमारे पास, कुछ बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, और ये हमारा रफ स्केच है तो हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करें। ये 8 सेंटीमीटर ले लिया हमने अपना डब्ल्यू एक्स, ठीक है, और डब्ल्यू जेड आपके पास जो है ये आपका वाई हो जाएगा। डब्ल्यू जेड आपका बराबर है 4 सेंटीमीटर के, और जेड वाई आपका बराबर है 3 सेंटीमीटर के, और एक्स डब्ल्यू जेड, ये एक्स डब्ल्यू जेड जो आपके पास एंगल बन रहा है ये 75 डिग्रीज है, जिसके अंदर आपके पास जो पैरेलल साइड्स हैं स्टूडेंट्स वो कौन सी हैं? जेड वाई पैरेलल है डब्ल्यू एक्स के। तो हम यहां पर ये एरोज लगा देते हैं जो हमें बता रहे हैं कि हमारी पैरेलल साइड्स, बाकी इसमें इक्वल साइड्स कोई भी नहीं होती तो हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहां पर अपना बेस ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास है डब्ल्यू एक्स, एंड दैट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर अपना 8 सेंटीमीटर की बेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेस आ गई है 8 सेंटीमीटर की, और इसको हम लेबल कर लेते हैं दैट इज डब्ल्यू एक्स। अब बारी आती है एंगल बनाने की। तो एंगल हमारे पास यहां पर स्टूडेंट्स कितना है? यहां पर हमारे पास एंगल डब्ल्यू है 75 डिग्री। तो सेम वही मेथड है जैसा कि हमने रोम्बस वगैरह के अंदर किया था, ट्रेपेजियम में किया था, कि हम यहां पर लाइन से लाइन को रखेंगे और 75 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है ताकि आपका एंगल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जीरो से स्टार्ट करके 75 यहां पर आ रहा है तो हम यहीं तक ले जाते हैं, और इसके बाद हम जब इसको ज्वाइन करेंगे तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि हमारे पास ये जो लेंथ आएगी ये हमारे पास होगी डब्ल्यू जेड जो कि बराबर है सिर्फ 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो लाइन को तो आप इसके साथ ज्वाइन कीजिए लेकिन सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक जाएगी, ये 1, 2, 3 एंड 4 यहां तक आएगी और ये बन जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये एंगल आपके पास कितना आया है स्टूडेंट्स? ये एंगल आपके पास आया है 75 डिग्रीज का, और ये आपके पास जो ज्वाइन किया है आपने जेड है, और ये बराबर है 4 सेंटीमीटर के। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो लेंथ है ये इसके साथ पैरेलल है, और हमने ये बात पढ़ी कि जो दो पैरेलल आपके पास लेंथ होती हैं उनके बीच में जो दो पेयर्स होते हैं इनका जो आपके पास सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि ये एंगल अगर 75 डिग्रीज है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 75 दैट इज 105 डिग्रीज, ठीक है। और इसी तरह से ये जो दोनों एंगल्स हैं ये भी आपके पास 180 डिग्री का सम होंगे।
तो हमारा अगला स्टेप यहाँ पर ये होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं और हमारे पास कोई और एंगल गिवन नहीं है, तो सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि यहाँ पर एंगल Z के ऊपर रखें और लाइन हमारे पास जो दी हुई है उसी लाइन के ऊपर अपने प्रोटेक्टर के जीरो की लाइन रखें। और यहाँ से हम कौन सा एंगल ड्रॉ कर लें स्टूडेंट्स, हमें जो एंगल ड्रॉ करना है वो बराबर होगा 105 डिग्रीज के, ठीक है। तो हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट करके और 105 डिग्रीज तक चले जाएं तो हमारी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हमारे पास 105 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो हमने ये लाइन अपने यहाँ से ज्वाइन करनी है और इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो जेड वाई बराबर है वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर्स के है। तो हम एग्जैक्टली यही करेंगे कि जिस तरह से पीछे करते आए थे कि डॉट से डॉट को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, लेकिन सिर्फ 3 सेंटीमीटर्स तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये हम 3 सेंटीमीटर्स तक लेकर आए इसको। अब ये हमारे पास एंगल भी बन गया 105 डिग्रीज, जो के सम है 75 के साथ 180 डिग्रीज का, ये बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर्स का। और हमारे पास कुछ और बाकी नहीं बचा, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको उठाकर इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमारी जो लाइंस हैं वो बिल्कुल पैरेलल हैं। और ये किसकी मदद से हमने किया कि हमें ये पता था कि ये जो दोनों लाइंस हैं पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो दो एंगल्स बनेंगे वो 180 डिग्री का सम होगा। एक एंगल गिवन है तो दूसरे एंगल को हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये यकीनन हमारे पास 180 - 75 दैट इज 108 डिग्रीज होगा, सॉरी 105 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो बस आपने ट्रेपेजियम के अंदर इसी तरह से स्टेप्स को याद रखना है कि किस किस तरह से हमने स्टार्ट किया और इसको हमने सारी चीज़ें जो हमें गिवन है उसी की मदद से हमने इसको कैसे कंप्लीट कर लिया। अब की दफा हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई जी अगेन एक ट्रेपेजियम है जिसमें जेड वाई पैरेलल है डब्ल्यू एक्स के और डब्ल्यू एक्स बराबर है 7 सेंटीमीटर के। तो जो सबसे पहली आपको जो सबसे बड़ी लेंथ दी हुई है ना स्टूडेंट्स, वो आपने अपनी सबसे नीचे रखनी है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो डब्ल्यू जेड है, एक डब्ल्यू एक्स आपको दिया हुआ है, ये बराबर है 7 सेंटीमीटर के, और जो डब्ल्यू जेड दिया हुआ है आपको यानी डब्ल्यू से जो जेड की तरफ जा रहा है वो कुछ 4 सेंटीमीटर्स का है, लेकिन वो आया 90 डिग्री से बराबर है, बड़ा है या छोटा है वो अभी हमें पता चल जाएगा कि एंगल डब्ल्यू हमारे पास कितना है 90 डिग्रीज। एक्स डब्ल्यू जेड, ये एक्स डब्ल्यू जेड जो हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल 90 डिग्रीज है। तो ये एल की शेप में आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये 90 डिग्रीज आपके पास आ रहा है स्टूडेंट्स और ये आपके पास जेड है। और दूसरी इन्होंने जो आपको बात बताई है, तो आपकी दफा तीसरी साइड नहीं बताई है स्टूडेंट्स, सिर्फ दो साइड्स बताई हैं और दूसरा आपको एंगल बताया है कि डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, ये वाई आपके पास सिर्फ 45 डिग्रीज है, तो ये बीच में कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास पैरेलल कौन सी साइड्स हैं, जेड वाई पैरेलल है डब्ल्यू एक्स के, ठीक है। तो आपने इस लेंथ का ख्याल रखना है और इसको इक्वल कर देना है, तो आपके पास कुछ इस तरह का ट्रेपेजियम बनेगा, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये हमने पैरेलल के निशानात भी लगा दिए, एंगल डब्ल्यू को बता दिया 90 डिग्री है, ये हमारे पास जो है वो 45 डिग्रीज है, ठीक है। और ये हमने पूरा अपना ट्रेपेजियम बना लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास ट्रेपेजियम किस तरह का होगा, तो कुछ इस तरह का होगा कि हम स्टार्ट करते हैं अपने यहां पर 7 सेंटीमीटर से, ठीक है। जब हमने नीचे की लेंथ अपनी ड्रॉ कर ली तो अब हम यहां पर 90 डिग्रीज ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी मेथड से। ये आप देख सकते हैं जीरो से स्टार्ट करके 90 डिग्री हमारे यहां पर आ रहा है, ठीक है। हम इसको ज्वाइन करेंगे 4 सेंटीमीटर्स तक, तो ये लीजिए हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर्स तक, 1 2 3, ये आ गया 4 सेंटीमीटर्स तक, ये हमारा 90 डिग्रीज हो गया। और दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पर है सिर्फ 45 डिग्रीज, तो हम यहाँ पर भी 45 डिग्रीज अपना बना लेते हैं। ये देखिए डॉट से डॉट मिलाकर हम 45 डिग्रीज तक जा रहे हैं, तो ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको 45 डिग्रीज तक ज्वाइन कर लेते हैं, अभी थोड़ा रफली सा बना रही हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि जो जेड वाई है वो पैरेलल है डब्ल्यू एक्स के, तो हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन करते हुए, अगर ये 90 डिग्रीज होगा स्टूडेंट तो ये कितना होगा 180 - 90, तो ये भी 90 डिग्रीज होगा। हमने यहां पर इस एंगल को मेजर करना है 90 डिग्रीज तक, ताकि हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाए, ठीक है। ऑपोजिट साइज के अंदर जो पेयर का सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है, तो हमें ये कहां तक लेके जाना है,
इस लाइन को यहां पर लेके जाना है, जहां पर ये इंटरसेप्ट करेगी वहीं पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये यहां तक सिर्फ हमारी जाएगी, ये आप देख सकते हैं जहां पर यह कट होगी बस लाइन हमारी वहीं तक जाएगी, ये यहां पर, ठीक है। बाकी जो हिस्सा है वो आप रब कर दीजिए। और उसके बाद बस आपको इसको लेबल कर देना है, आपका ट्रेपेजियम तैयार है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको गिवन है, सिर्फ स्टूडेंट्स यहां पर जो आप इसके पैरेलल वाला जो एंगल है उसको आपने खुद से अज्यूम करना है 180 में से, ये जो गिवन है एंगल इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि आपकी ये वाली जो लेंथ है ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो सके और इसके अंदर कोई आपका डिफरेंस ना आए। वरना अगर हम इसको इससे ड्रॉ कर देते, क्योंकि ये वाला एंगल हमें गिवन नहीं था, यहां से हमें लेंथ नहीं बताई हुई थी, तो हमारा ट्रेपेजियम नहीं बन पाता क्योंकि हमारे पास ये डब्ल्यू एक्स पैरेलल नहीं हो पाता जेड वाई के। तो इन दोनों लेंथ को पैरेलल करने के लिए लाजमी सी बात है कि यहां पर जो भी एंगल दिया हुआ होगा उसको आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करके इस एंगल की मदद से यहां पर ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहां पर ट्रेपेजियम सीखने वाला अमल भी खत्म हो गया। आई होप कि यू एंजॉयड इट और आपने इसमें से सीख लिया होगा कि हमें ट्रेपेजियम कैसे ड्रॉ करना है, कि अगर हमें दो साइड्स और दो एंगल्स दिए हुए हों या तीन साइड्स और एक एंगल दिया हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।